हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस पार्ट फोर में हम देखेंगे कि GSTR 3B क्या होता है। GSTR 1 और GSTR 2A के बारे में हमने डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 3B क्या होता है। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि GST रिटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है GSTR 3B। फर्स्ट क्वेश्चन है कि GSTR 3B क्या है। तो देखिए, GSTR 3B एक मतलब GSTR 1 और GSTR 2A, ये दोनों का डिफरेंस हमें जो मिलता है उसकी डिटेल हमें GSTR 3B में फाइल करनी होती है। जी, GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करना होता है और GSTR 2A का रिकैंसिलेशन करना होता है। GSTR 2A में हमें ITC क्लेम करने के लिए बहुत ही काम आता है। GSTR 1 और 3B ये टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी होता है। इसके बाद GSTR 3B फाइल कब कर सकते हैं और क्या ज़रूर हो सकती है, तो देखिए, जी हर रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 3B की फाइल करने की ज़रूर हो सकती है, और GSTR 3B की रिटर्न की डेट GSTR 1 और GSTR 2A के तहत उसके रिलेटेड उसके जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस के तहत बताया हो उस समय के अंदर आप 3B फाइल कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि GSTR 3B कहां पर जाकर हमें फाइल करना है। तो GST पोर्टल पर आप लॉगिन होकर, यहाँ पर आपको GST पोर्टल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्विस, और सर्विस पर क्लिक कर रिटर्न का होगा ऑप्शन। वहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर जाकर आप अपनी लॉगिन ID पासवर्ड ना कर आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए, और जिस मंथ का आप 3B भर रहे हैं उसकी डिटेल आप भर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप 3B फाइल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि GSTR 3B फाइल करने की जरूर पड़े तब। तो देखिए, GSTR 3B की फाइल यहाँ पर दिया हुआ है कि मंथ के 20 तारीख तक, महीने की 20 तारीख के अंदर आप 3B फाइल कर सकते हैं। अगर कमिश्नर GST कमिश्नर की मीटिंग में नोटिफिकेशंस के अंदर हमें डेट अगर लंबा दी हो तो उस तारीख के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि GSTR 3B इनवॉइस मैचिंग होता है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्वेश्चन में हमें किया गया है कि GST 3B में इनवॉइस मैचिंग होता है। मतलब हमने जो इनवॉइस GSTR 1 में जो इनवॉइस आउटवर्ड का जो इनवॉइस हमने फाइल किया था वो मैच होता है। तो दोस्तों, ये GSTR 3B इनवॉइस मैचिंग नहीं होता। GSTR 3B GSTR 1 और GSTR 2A का मैचिंग डिफरेंस है। फाइल ये GSTR 1 में जो हमने फाइल की थी और
GSTR 2A का जो रिकन्सिलेशन हमने किया उसका जो मेज़र और डिफरेंस है उसका आपको यहाँ पर फाइल करना होता है। इसके बाद GSTR 3 भी हमने भर दिया, इसके बाद क्या हम उसको चेंजेस कर सकते हैं? तो देखिए GSTR 3 आप चेंजेस नहीं कर सकते। GSTR 3 के लिए अगर आपने कुछ गलती से कुछ गलत इनवॉइस गलत डिटेल भर दी तो उसको आपको चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अगले समय में मतलब अगले मंथ में आने वाले मंथ में आप उसको वो चेंजेस कर सकते हैं, उसमें डिटेल आप भर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आप बात करूँ कि GSTR 3 कैसे हम फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है और GST रिटर्न सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद GSTR फाइल पर क्लिक करें और अपना फाइनेंशियल ईयर जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप उसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप नील रिटर्न पसंद करते हैं। तो आपको अगर आप नील रिटर्न है तो उस पर क्लिक करिए, अगर नील रिटर्न नहीं है तो उसको अदरवाइज छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि GSTR क्या मैं फिर से सेट कर सकता हूँ। तो ऊपर ही हमने देखा कि GSTR 3 में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर GSTR 3 में सेट हम नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि GSTR 3 क्या होता है, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।